अलगम गायस वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल तो आज जो है कोई कुकिंग वीडियो नहीं है बल्कि आज मैं अपना मेकअप बॉक्स सेट करी थी सो आई डिसाइडेड कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ दैट वट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आई डू हैव और मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड मेकअप मेरे पास नहीं है मुझे लाइट मेकअप करना पसंद है बट स्टिल आई लव डूइंग मेकअप एंड आई लव बाइंग मेकअप सो लेट्स सी वट आई हैव इन माई बॉक्स गाइज ये है जी मेरा मेकअप बॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है तो मैं इसकी चीज़ें सेपरेट करती हूँ और आपको इंडिविजुअली एक एक चीज़ दिखाती हूँ तो दिस इज़ माय इंटायर मेकअप कलेक्शन जो अभी तक की मेरी है मोस्ट अपडेटेड सबसे पहले जी हम आते हैं किड्स के ऊपर तो इसमें ज़्यादातर जो है वो मुझे गिफ्ट्स ही मिले हैं एक तो ये आई पैलेट मेरे पास दो हैं एक ये रिवाज की है बोथ ऑफ uh, them वर गिफ्टेड टू मी उसके बाद एक ये पैलेट है इसके अंदर हमारे पास ब्लश ऑन और हाइलाइटर है इसका जो फेवरेट मेरा शेड है ब्लश ऑन का वो है हैंड बिकॉज वो बहुत पीची पीची सा होता है एंड आई लव पीच मेकअप उसके अलावा ये हाइलाइटर वाला है ग्लिमर जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ द नेक्स्ट वन इज़ दिस रेवोल्यूशन की किट ये भी मल्टीपर्पज़ किट है इसके अंदर हाई भी होता है कंसीलर भी होता है और ये भी बहुत अच्छी है उसके अलावा मेरे पास एक हाई पैलेट है ये हुदा ब्यूटी की जो कि मैंने काफ़ी पहले ली थी आ, ये थी जी हमारी पैलेट्स उसके बाद एक फेस प्राइमर है मेरे पास प्रोफेशनल का और ये नेक्स का है आ, सेटिंग स्प्रे फाउंडेशनस में आते हैं तो आई हैव दीज टू फाउंडेशन टॉप फेस की और जे डॉट की नोट ये बहुत डेली यूज़ के लिए अच्छी होती है तो मैं डेली वेयर के लिए बहुत लाइट भी है ये और मॉइस्चराइजिंग भी है तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है उसके बाद जी कंसीलर्स हैं कंसीलर्स में मेरे पास एक टैट का कंसीलर है और इसका जी शेड है फेयर लेकिन ये थोड़ा सा डार्कर शेड आ गया था अदरवाइज़ इसकी कवरेज जो है आ, आपकी अंडर आइज़ के लिए बहुत अच्छी है बिकॉज़ अंडर आइज़ के लिए आप जो भी शेड उसके बाद जो दूसरा वाला है ऑलमोस्ट ये फिनिश होने वाला मेरा कंसीलर ये मेबलिन का है और इसका जो शेड है वो है आई गेस लाइट ये भी लाइट है उसके बाद क्रिस्टीन का है कंसीलर ये ये भी बहुत अच्छा है डेली वेयर के लिए नेक्स्ट आई हैव ऑल दीज लिपस्टिक्स इसके अंदर ज़्यादातर जो शेड्स हैं वो पिंक के हैं और पीच के हैं पिंक है है, के सबसे ज़्यादा हैं पीच के हैं बिकॉज़ ये ही दो लिपस्टिक्स हैं जो मैं ज़्यादा लगाना पसंद करती हूँ बस ये मेरी फेवरेट है ये पीच मैट ग्लॉस है रिवाज की और एक ये वाली है मेरी ये थोड़ा सा रेडिश शॉकिंग पिंक कलर का है और मुझे एसेंस की स्टे मैट बहुत अच्छी लगी है इट इज़ लिटरली वेरी वेरी गुड उसके अलावा मेरे पास ग्लॉस के लिए एक ये है आ, लिप स्टेन और उसके अलावा एक ये ग्लेटर वाला है हाइलाइटर्स के लिए मेरे पास एक ये है रेवोल्यूशन की स्टिक और ये है जी गोश का हाइलाइटर पेन जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है टू आर माई मोस्ट फेवरेट ब्लश एक चीख ही का और रिवाज का ये बीच वाला और सेटिंग पाउडर जो है वो मेरा लॉरा मसीर का है इट इज़ वेरी वेरी गुड दीज आर माई ब्रशेस दिस इज़ माई ब्यूटी ब्लेंडर ये टॉप फेस की मेरी आईब्रो uh, सेटिंग जेल है ये मेरे पास मैबलिन का मस्कारा है एंड आई हैव दीज लिप पेंसिल्स जिसमें डार्क शेड्स भी हैं पिंक भी है रेड भी, भी है हर तरह का शेड है सो दिस इज़ माय लिटिल मेकअप कलेक्शन इसमें कुछ भी इतना कोई फैंसी नहीं है सब कुछ ऐसा है जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं आई मेकअप मुझे कोई बहुत ज़्यादा करना शौक़ नहीं है और मुझे करना पसंद नहीं है तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं यूजुअली डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ और सारी ही अच्छी हैं बाकी अगर आपको किसी चीज़ का रिव्यू चाहिए सो यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन तो ये थी जी मेरी मेकअप वीडियो अब मैं अपना बॉक्स सेट करूँगी और आपको दिखाती हूँ उसको ऑर्गेनाइज़ करके सो so गाइज़ ये मैंने सेपरेटर्स के साथ जो है इसके सेक्शंस बना ली हैं मैंने इसको साफ़ तो किया है बट दीज आर लिपस्टिक स्टेन्स और ये जो हैं uh, साफ़ नहीं हो रहे बट ओवरऑल आई ट्राई टू क्लीन इट तो अब इस तरीके से जो है मैंने इसके सेक्शंस बना ली हैं ये सेपरेटर्स जो है मैंने दराज़ से ऑर्डर किए थे इफ़ यू वांट देम तो आप इसको आ, मंगवा सकते हैं आप इसको ड्रॉ सेपरेटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मुझे अपने मेकअप बॉक्स के अंदर सेक्शंस चाहिए थे इसलिए मैं इसको इसमें यूज़ कर रही हूँ तो मैं अब इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ इस सेक्शन पर मैं अपनी सारी किट्स रख लूँगी तो मैंने अपना मेकअप बॉक्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लिया है ये सारा सेक्शन जो है वो मैंने अपनी मेकअप किट्स का बनाया है ये सारा लिपस्टिक्स एंड लिप ग्लॉसेस यहाँ पर मेरे पास फेस की सेटिंग की चीज़ें हैं इसमें आ गई फाउंडेशन एंड आई हैव माय सेटिंग्स पाउडर और यहाँ पर कंसीलर्स हाइलाइटर्स हैं और एक ही ब्लश ऑन मेरे पास लिक्विड था तो वो मैंने इसी में डाल दिया बिकॉज आई डोंट हैव एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर मेरे पास आई और मस्कारा uh, है और इन सब आ, लिप पेंसिल्स को मैंने इधर जो है वो आ, सेट कर लिया शॉप करके बिकॉज़ बहुत इजी होता है जब आपको सारी इस तरीके से मैंने इन्वर्ट करके इनको लगाया है ताकि मुझे कलर भी पता चल जाए और इज़ी टू यूज़ हो और यहाँ पर सारे मेरे ब्रशेज़ हैं दिस इज़ इट सो इट इज़ फुली ऑर्गेनाइज नाउ इसके अलावा मेरे पास कुछ नेल कलर्स हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो अब अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी सो दिस इज़ इट फॉर टुडे सो गाइज़ ये थी मेरी छोटी सी मेकअप कलेक्शन की वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू वांट कि मैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अल्लाह हाफिज़